इधर बाड़मेर जिले के बिशाला गांव में एक युवक के साथ दबंगता पूर्वक लोहे की रॉड से मारपीट करने और घटना का वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के भाई ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर आरोप लगाया कि उसके परिजन से तीन युवकों ने दबंगता की और लोहे की रॉड से बर्बरता पूर्वक मारपीट भी की। शिकायत के अनुसार घटना 29 जनवरी की है। इसमें आरोपियों ने मारपीट करने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बाड़मेर जिला एसपी शरद चौधरी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया गया कि घटना के दिन पीड़ित युवक पुलिस के पास गया था लेकिन उसे थाने में बंद कर दिया गया। इधर एसपी शरद चौधरी ने कहा है कि मेरी जानकारी में मामला सामने आया है, उसके बाद प्रसंग ज्ञान लेते हुए ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। साथ ही मामले की जाँच बाड़मेर सीओ ने की है। एसपी ने बताया कि वीडियो में दिख रहे दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक युवक की पिटाई चोरी को लेकर की गई थी और पीड़ित अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। भाई के साथ हुआ जो 19 तारीख को मेरे पास वीडियो आया, पता नहीं कहां से भी आया, उसने वायरल किया वीडियो आया मेरे पास। मैंने मेरे भाई को फोन लगाया, पूछा कि भैया क्या हुआ तेरे साथ, ये वीडियो आ गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा भाई रोक रो रोक के बता रहा है कि मेरे को वहाँ पेट्रोल पंप पे जबर बुलाया और वहाँ उसे बुला के फिर भादरेज की एक बंद होटल में लेके जाके उसके अंदर कमरे के अंदर मारा। उसने 5 वीडियो बनाए हैं जिसमें एक वीडियो वायरल किया है, अभी बाकी जो वीडियो है वो अभी तक वायरल नहीं किया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जो कि वीडियो जब कल मुझे आपके किसी साथी के माध्यम से प्राप्त हुआ था, तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए 25 नंबर मुकदमा बाड़मेर ग्रामीण थाने पर तत्काल दर्ज करवाया गया। पीड़ित की अनुपस्थिति के बावजूद पीड़ित के भाई के द्वारा और आगे की कार्रवाई करते हुए वीडियो में दो लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जो पीड़ित है इसने कोई चोरी की घटना कारित करी है, उसके संदर्भ में वो हाथों से थाप थप्पड़ों से इस पीड़ित की मारपिटाई कर रहे हैं।